गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दुनिया मेरी विद मी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आज आप सबके साथ एक बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने कुछ स्प्राउट्स लिए हैं। चाहिए तो सिर्फ मूंग की दाल भीगी हुई, बट शुभम ने थोड़े से स्प्राउट्स भिगोए हुए थे तो मैंने उसमें से दाल ले ली है थोड़ी सी, तो मैंने यही यूज़ कर ली। अलग से मुझे भिगोनी नहीं पड़ी। मैंने इसमें थोड़ा सा बस अदरक डाला है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। और बहुत स्मूथ पेस्ट हमें नहीं चाहिए, बट इट शुड बी थिक होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो चीला नहीं बनेगा। येस, आई एम गोइंग टू मेक मूंग दाल चीला फ्रॉम इट। और मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आएगी इससे बैटर में, और टेस्ट तो डबल होना ही है। और मैंने इसके अंदर डाला है ये कच्चा जीरा पाउडर, क्रश्ड है एग्जैक्टली, पाउडर नहीं है, लेकिन कच्चा जीरा लेना है हमें, भुना हुआ नहीं। इसी से टेस्ट इसका बेटर आएगा। अगर भुना हुआ डालोगे तो भी ठीक है, चलेगा, बट इससे इसका बेस्ट डेफिनेटली टेस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और मैंने इसमें हल्की सी बस नाम के लिए रेड चिली डाली है। आप चाहो तो अवॉइड कर लो, या जिंजर के साथ ग्रीन चिली डाल सकते हो जब ग्राइंड कर रहे हो। और नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो आप बेसन, दाल और नहीं ग्राइंड कर सकते तो आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ा दो। पतला होगा ना तो अच्छे से बनेगा नहीं। और ये मेरा आयरन का तवा है तो इसे मैं पहले थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ, वरना चीला इस पर चिपकेगा और टूट जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। पहले इसकी एक बार अच्छे से ग्रीसिंग कर लूँ, फिर ये बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह ही वर्क करता है, इवन बेटर, बिकॉज आयरन का है, नॉन स्टिक नहीं, कोई टेफ्लॉन कोटिंग नहीं है इसके ऊपर जो हार्म कर सके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेटर। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई किया है। आप चाहो तो थोड़ा सा कोई भी ऑयल जो आप खाते हो वो लगा लो, बहुत थोड़ा सा, सिर्फ कॉर्नर पे लगाना है और ये बहुत इजीली निकल आएगा। बहुत ईजी लगता है, मतलब सुबह सुबह बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता और बहुत टेस्टी। सच में आप एक बार ट्राई करना। देखने में रेसिपी कभी भी कोई भी ईजी लगे तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बेकार होगी, नहीं। अब मैं इसकी फिलिंग में डाल रही हूँ क्रम्बल्ड पनीर, थोड़ा सा क्रम्बल करके मैंने डाला है। आप चाहो तो ग्रेट करके डाल लो, टेस्ट तो दोनों से खैर सेम ही आना है। और थोड़ा सा अनियन क्रंच ऐड करेगा और टेस्ट तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, बहुत अच्छा लगता है कोई भी चिला हो उसके अंदर प्याज। और आप कोई भी चटनी केचप सॉस के साथ आप इसको खा सकते हो, जो भी पसंद है उसके साथ, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है। के बहुत कैसे खाते हो? खा लिया तुम? मूंग की दाल का बेसन का अच्छा लगे। और मम्मी यहाँ शुभम और मनी के लिए पोहा बना रही है। लेट उठते हैं तो उनका ब्रेकफास्ट भी फिर लेट ही बनता है, तो इसलिए अभी मम्मी आपके पोहे की रेसिपी अलग है ना, बताना चाहोगी आप? बोलो क्या क्या डाला आपने इसमें? प्याज, मूंगफली, कड़ी पत्ता, राई और थोड़ा सा टमाटर, काफ़ी मेरे को इसके पोहे थोड़ा कम पसंद है। मम्मी को प्याज वाले पसंद नहीं है, जो टिपिकल रेसिपी होती है ना। ये मैंने हरी पत्ता, हल्दी, इसमें लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, इसमें 1 चम्मच चीनी,
ये जिसे ज़्यादा मीठा पसंद है थोड़ा वो कर लो कच्चा मीठा। कलर है रेड 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 येलो नहीं हल्का येलो ये खट्टे मीठे और लगते हैं बहुत टेस्टी पोहे। चार पांच बूंद नींबू के डाल दो जिससे खीर पे आ जाता है और खट्टा बन जाता है थोड़ा। मतलब आप ये कहना चाह रही हो जो भी फ्रूट खाओ मुंह पे लगाओ जो भी फ्रूट खाओ नेचुरल चीज लानी चाहिए। ठीक है मैम लगा देंगे। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे खीर वही जो शरद पूर्णिमा वाली खानी थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आई टोल्ड यू बट खानी है। और अब मैंने की है अपनी नेल पेंट चेंज आज मैंने दूसरा कलर अप्लाई करा है मुझे बहुत सुंदर लगता है ये कलर। ये मैंने डबल कोट किए हैं दो नेल पेंट से मतलब। मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर कुछ वूलन्स जो मैंने ऊपर बेड में ही रख रखे हैं उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ता कहीं। ये सर्दियों में सबसे एंड में रखे जाते हैं और सर्दी स्टार्ट होते ही सबसे पहले निकलते हैं इसलिए ये मुझे यहीं रखना सबसे ज़्यादा बेटर लगता है बहुत जल्दी निकल जाते हैं बिना कुछ ताम झाम करे। ये है वो स्प्राउट जो मैंने सुबह थोड़े से यूज़ कर रहे थे अब रात तक ये इतने बड़े हुए कपड़े के बाहर तक आ रहे हैं तो मैंने निकाल दूंगी अब अभी बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। और मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी अरवी की एक मस्त 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 ट्राई रेसिपी। ये अब मुझे नहीं पता आपने अभी तक कितनी रेसिपी मेरी ट्राई करी है बट ये तो ज़रूर करनी है। मैंने ये अरवी को अच्छे से स्लाइस करके और शैलो फ्राई किया है डीप फ्राई नहीं करना है शैलो फ्राई करना है। आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो मैंने सिर्फ शैलो फ्राई करा है जब तक ये इनके ऊपर एक गोल्डन कोटिंग नहीं आ जाती तब तक मैंने इन्हें सिर्फ अजवाइन डालकर तेल में फ्राई किया। और उसके लिए मसाले में सिर्फ प्याज हमें चाहिए मतलब बिना टमाटर के बनती है सिर्फ प्याज को ग्राइंड करके मैंने उसी कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल जो था वही बचा हुआ। और यहाँ मम्मी ये स्प्राउट्स को थोड़ा सा कुकर में एक सीटी लगा रही हैं। जीरा ये अंकुरित लगा रहे हैं तो खाने में पचने लग जाता है। वो दोनों इन्हें रात में खाने वाले हैं इसलिए मम्मी इनको एक सीटी लगवा रही हैं वरना डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो इसमें मम्मी ने बस हल्का सा नमक हल्दी और मिर्च डाला और थोड़ा सा धनिया। ये प्याज मेरी भुन गई है अच्छे से मैं इसमें अब धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी
और हल्दी बहुत थोड़ी सी, सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि बिना हल्दी के सब्ज़ी नहीं बनाते, इसलिए बहुत थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें। ये अरवी की सब्ज़ी ना यार, मतलब जो लोग अरवी नहीं भी खाते ना, उन लोगों को एक बार ट्राई करनी चाहिए। मैं क्योंकि उनमें से एक हूँ, मुझे कभी भी अरवी पसंद नहीं थी और ये मेरी अब एक फेवरेट रेसिपी है। मैंने इसमें थोड़ा सा बस गरम मसाला और ऐड किया है और मैंने इसमें ये अरवी मिक्स कर दी है अच्छे से मसाले में। और अभी ना थोड़ा भूनना है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया मैंने। और अच्छे से भुनने के बाद इसमें बस एंड में धनिया ऐड करना है। इट्स डन। हमारा डिनर तो ऑलमोस्ट रेडी है, हम जा रहे हैं बस अब डिनर करने। और जल्दी से आप भी ये रेसिपी ट्राई करिए और बताइए कैसी बनी। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।